राम सुंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। लगभग लगभग हर सर्वे राजस्थान में कोई 20 से 22, कोई 18 से 23, मतलब। और जो श्याम सुंदर जी, मुझे याद है आपसे 3-4 दिन पहले मैं डिबेट कर रहा था, डिबेट में आप और मैं बैठे थे, तब हमारी ये बात हुई थी और उस वक्त भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, बीजेपी को इस बार क्या राजस्थान में 2 से 3 सीटों पर झटका लगने वाला है क्या? आपने उस वक्त भी जवाब में कहा था कि इस बार कुछ नुकसान हो सकता है। और अब ये सर्वे, लेकिन बीजेपी कह रही है 25 की 25 सीट, आशीष जी कह रहे हैं, क्या ये सर्वे हमारी वो 3 दिन पुरानी चर्चा पर मोहर लगा रहे हैं क्या? श्याम सर देखिए, सुमित जी, आशीष जी को तो 25 की 25 सीटें कहना है क्योंकि उनकी पार्टी का जो घोषणा है वो उसके अनुरूप बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता अगर कहें, वो स्वीकार करें कि कुछ जगह हमारी कमियां रही, उसके कारण से हम चुनाव हार रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी कहना पड़ेगा। अब बार बार वो तो कह रहे हैं 25 की 25 जीतेंगे, लेकिन आप देखिएगा नागौर से जिस जिस सीट पर आपने अभी चुनाव लड़ाया गया, ज्योति मिर्जा ने, वही नारायण, देखिए हनुमान बेनीवाल बीजेपी के नहीं कांग्रेस के सहारे से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो आपस में अदला बदली हुई है, देखिए जिस प्रकार से माहौल